बच्चों, इस वीडियो में हम आपको संस्कृत में वर्णों को अलग अलग करना सिखाएंगे। इसके आगे का वीडियो में मैंने वर्णों को जोड़ना सिखा दिए थे। आज का वीडियो में हम आपको वर्णों को अलग अलग करना सिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर में त्रिदेवा, त्रिदेवा। तो सबसे पहले आपको बच्चों जानने होगा कि ये जो त्र है, ये त्र क्या है बच्चों, ये त्र क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये त्र संयुक्त व्यंजन है। ये त जोड़ र से बना हुआ है, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्त्र, और ये चारों दो दो अक्षर से बना हुआ है। तो इसमें देखिए त्र दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, त्र को त और र में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त जोड़ र। याद रखिएगा प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर जोड़, यहाँ पर छोटी है तो यहाँ आप लिख दीजिए छोटी, ठीक है। यहाँ तक बन गया त्रि। अब क्या है, द में ए, तो यहाँ प्लस दीजिए और लिखिए द हलंत प्लस ए। ये जो ए की मात्रा है ये अक्षर में वर्ण में बन जाएगा, ठीक है। ए बन गया। उसके बाद क्या है, व है, व लिखिए, हलंत दीजिए और लास्ट में विसर्ग है तो यहाँ लिख दीजिए अ। क्लियर हुआ? और एक बार देख लीजिए अच्छा से, ये त्र को हम क्या किए हैं, त और र के रूप में लिखे हैं, क्योंकि त्र ये दो अक्षर से बना हुआ होता है, त और र से, ठीक है। फिर जोड़ दिए और फिर क्या किए, ये जो हर्षी है उसको ई लिख दिए, क्योंकि इसको वर्ण को लिखने बोला गया है, इसका मात्रा को नहीं लिखना है, इसलिए ई अक्षर हम लिख दिए। फिर द में ए, तो द लिखे हैं और प्लस देखे ए जो मात्रा है उसको अक्षर में लिखना है, इसलिए ए लिख दिए, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत जरूर दीजिएगा, स्वर्ण वर्ण में नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण क्या होता है, अ के मेल से ही वो पूरा होता है, इसलिए इसमें हलंत लगाना ज़रूरी है। फिर आप व लिख दीजिए, हलंत दे दीजिए और लास्ट में विसर्ग है तो उसको अ लिख दीजिए। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए कृपा। तो यहाँ पर क लिखिए, क में हलन दीजिए और यहाँ पर नीचे री की मात्रा है, इसलिए री को आपको अक्षर में लिख देना है, री, री लिख दी, क्री हो गया यहाँ तक। अब पा, प लिखे, हलंत दिए जोड़ और आ, आ की मात्रा है लेकिन इसको हमको वर्ण के रूप में लिखना है, इसलिए लिख दिए आ, बन गया कृपा। अब नेक्स्ट देखिए गुरु क्या है, गुरु, ग में छोटी, तो यहाँ पर लिखिए ग, हलंत दीजिए और यहाँ छोटी लिख दीजिए, बन गया गु। अब आपको रु लिखना है, यहाँ लास्ट में विसर्ग भी है, ठीक है। फिर र लिख दीजिए, जोड़ दीजिए र, हलंत र में, सॉरी यहाँ पर ग में छोटी यू है तो यहाँ हम गलती से बड़ी यू लिख दिए, बड़ी यू नहीं होगा, यहाँ छोटी यू है तो आपको यहाँ छोटी यू ही लिखने होगा। क्लियर हो गया? अगर बड़ी यू रहता तब हम बड़ी यू लिखते, ठीक है। फिर र लिखें, ठीक है, फिर प्लस दीजिए, फिर छोटी यू है, ये छोटी यू है। र में देखिए इस प्रकार, अगर र में ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा र में छोटी यू, और अगर ऐसे रहेगा र में ऐसे रहेगा तब ये हो जाएगा र में बड़ी यू, यानी ये छोटी यू, र में दो प्रकार से, छोटी यू इस प्रकार से दिया जाता और बड़ी यू इस प्रकार से दिया जाता, ठीक है, क्लियर है। तो र में, र में छोटी यू है तो हम यहाँ छोटी यू लिख दिए और उसके बाद लास्ट में विसर्ग है तो उसको हम अ में लिख दिए, अ। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में पुरस्कार, पुरस्कार तो प में छोटी यू है तो आप लिख दीजिए प हलंत छोटी यू, लिख दिए यहाँ तक हो गया। फिर र है र, तो यहाँ र में हलंत दीजिए प्लस अ दीजिए, क्योंकि जब कोई अक्षर के बाद में कोई मात्रा नहीं रहेगा तो ध्यान दीजिएगा उसमें अ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण अ के सहायता से ही उसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए हम र में अ लिख दिए, हो गया। प्लस अब आधा श, आधा श लिखने के लिए आपको समय हलंत दे देने होगा, ठीक है, इसका बगल में अ नहीं लिखना है, ठीक है, ये हो गया आधा श। उसके बाद क्या है, क है तो क लिख दीजिए क, और उसके बाद क्या है आ है, आ है तो यहाँ पर क्या लिख देने होगा, आ लिख दीजिए, आ वर्ण लिख दीजिए। फिर र और मिसर, ठीक है, लास्ट है र और मिसर, तो यहाँ पर र लिख दीजिए, ऊपर में जगह नहीं हो रहा इसलिए हम नीचे लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, र लिख दीजिए र में हल और अ, ये हो गया विसर पुरस्कार। और लास्ट एक तो देखिए यज्ञम, यज्ञम तो य पहले लिखिए य में हलंत और अ, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण अ की सहायता से ही उच्चारण की जाती है, जिस व्यंजन वर्ण के बाद कोई और मात्रा नहीं रहेगा उसके बाद में आपको अ लिखना जरूरी है, ठीक है, लिख दिए जोड़। फिर क्या है, ज्ञा है, ज्ञा तो ज्ञा किसके जोड़ से बना है, यानी ज्ञा जो है वो भी संयुक्त अक्षर है, ज्ञा भी संयुक्त अक्षर है, दो अक्षरों के मेल से बना है, कौन कौन सा अक्षर, ज प्लस य, ये दो अक्षरों से ज्ञा बना है, क्लियर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ज हलंत प्लस य प्लस हो गया यम, ज्ञा हो गया ज प्लस य ज्ञा हो गया। अब म, म, म में हलंत है, ठीक है, तो इसमें भी लास्ट में हलंत दे दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा यज्ञम, क्या हो जाएगा यज्ञम। तो इस प्रकार से बच्चों हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है, तो इसके आगे का वीडियो में मैंने वर्ण विच्छेद हिंदी में भी बहुत अच्छा से हम वीडियो बनाए हैं, अगर आपने उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो हिंदी में भी किस प्रकार से हम वर्णों को विच्छेद करते हैं वो हम सिखाए हैं, वर्ण विच्छेद उसका वीडियो भी हम अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, अगर आपको देखना है हिंदी में तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।